ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा की बात हम करने जा रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट जो है फिफ्थ क्लास से लेकर प्लस वन तक का स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता है क्या क्या फॉर्मेट रहने वाला है किन किन बातों का ध्यान जो है पेरेंट्स को यहाँ पर रखने की खास ज़रूरत है क्योंकि पेरेंट्स ने ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं पूरी तैयारी करनी है तो इसीलिए हम ये आज वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके सही टाइम ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या रहने वाला है कैसे जाएँ कैसे अप्लाई करें पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह का सक्सेस रेट आज के टाइम में देखने को मिल रहा है जो रिसेंटली uh, ऑस्ट्रेलिया के स्कूलिंग वीज़ा लगकर आए हैं उनकी कुछ प्रोफाइल्स भी आपके साथ डिस्कस करने की जरूर कोशिश करेंगे टाइम रहा तो ज़रूर बताएंगे कैसी वो प्रोफाइल्स थी जिन पर पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं ताकि आप भी इन बातों को अच्छी तरह से समझते हुए आगे के लिए अप्लाई कर सके स्वागत है आप सभी का मैं हूं हरजोत कौर और ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा ले को लेकर डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज वीज़ा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है मैम हु� नमस्कार मैम ज़रूर बताइए हम लगातार वैसे ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा को लेकर ढेर सारी वीडियोस बना चुके हैं जिस जिस तरह से हम वीडियोस बनाते जा रहे हैं उसी तरह से सवाल भी हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के आ रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूंगी मैम राइट टाइम को लेकर तो बहुत सारे सवाल बने रहते हैं कि यहाँ के जो एजुकेशन सर्कल होता है उस हिसाब से मैच कैसे करें पेरेंट्स का ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जब यहाँ पर एक पूरा सेशन चल रहा है उसके दौरान ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो रेडी रखें फंड्स को लेकर भी आप जरूर बताइए और आ, कौन से इनटेक में अब अप्लाई किया जा सकता है हरजोत तो ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा बहुत अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि बच्चा जो है ओवरसीज पढ़ने जा रहा है वो भी पेरेंट साथ लेके जा सकता है अब मान लीजिए बच्चा फिफ्थ क्लास में है या सेवन्थ में एट्थ में जो भी है वो बच्चा भी छोटा है अठारह साल से कम है उसको गार्जियन चाहिए गा एज ए गार्जियन मदर फादर जो भी जा रहे हैं फादर का बिजनेस होता है या जॉब होती है ज़्यादातर तो हम मदर का फिर अप्लाई करते हैं और मान लीजिए मदर फादर दोनों वर्किंग है और वो चाहते हैं कि बच्चा ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करे और उनके रिलेटिव्स हैं क्योंकि पिछले 20 सालों में ऑस्ट्रेलिया में बहुत माइग्रेशन हुई है उसकी वजह से हर फैमिली का कोई ना कोई बंदा वहाँ पे है अब चाचा है या ताए है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं हम उसको बच्चे को गार्जियनशिप दे, दे देंगे हमारे पास रहेगा बच्चा तो वो अपनी गार्जियनशिप के डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं और बच्चा ऑस्ट्रेलियन स्कूलिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है अब एफ ए क्यूज के होते हैं पेरेंट्स के मैडम ऑस्ट्रेलिया टफ है मेरे बच्चे का वीजा हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरी इनकम कितनी शो करनी है परसेंटेज कितनी होनी चाहिए ये सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पास आते हैं जी। अब जो परसेंटेज है वो अकॉर्डिंग टू स्कूलिंग स्टैंडर्ड्स अगर उसको वीज़ा चाहिए तो 60 परसेंट लास्ट टू इयर्स की इन ईज सब्जेक्ट हम देखते हैं और क्योंकि जो बच्चा ओवरसीज जा रहा है और पेरेंट्स उस बच्चे पे ध्यान देते हैं तो 60 परसेंट तो मिनिमम है आजकल बच्चों के 80 90 परसेंट देखने को आते हैं तो वो एक परसेंटेज की हमारी रिक्वायरमेंट है उसके साथ हमें एक बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का चाहिए होता है लास्ट ईयर की मार्कशीट्स चाहिए होती हैं और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है ये लेटर्स ये तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एडमिशन की आपने इनटेक पूछा नवंबर इनटेक है और उसके बाद जैन इनटेक है अब मान लीजिए बच्चा नाइन्थ में है और अगर उनका जो बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है और वहाँ मैच करता है तो हो सकता है वो हाफ ईयर का बच्चे को एग्जामेशन दे के नाइन्थ में ही उसको ले सकते हैं लेकिन ये अगेन बच्चे ने यहाँ क्या पढ़ाई की और वहाँ क्या पढ़ने जा रहा है उस पर डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे ने और पेरेंट्स ने चूज़ करने हैं अगर उनके सिमिलर हैं तो बच्चा सेम क्लास में जा सकता है जी उसके बाद ये होता है कि वीज़ा बड़ा मुश्किल है नहीं स्कूलिंग वीज़ा बहुत आसान है इस टाइम गवर्नमेंट का जो मेन वीज़ा देने का क्राइटेरिया वो मास्टर बाय रिसर्च या फिर आपका स्कूलिंग वीज़ा के ऊपर है तो ये वीज़ा थोड़ा आसान है आपके लिए अगर आप उस पर ध्यान दें क्योंकि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ही पेरेंट्स को भी करनी है डॉक्यूमेंट्स देने में तो ये वीज़ा आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा इस टाइम गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है लेकिन अगर आप इस बात पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम है फिर वीज़ा नहीं ले पाएंगे जी 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 मैम ज़रूर मैं, मैं चाहूँगी कि रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा पॉजिटिव रिजल्ट जिनके आ चुके हैं थोड़ा सा आप थोड़ी सी प्रोफाइल किसी स्टूडेंट की ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर वीडियो उस प्रोफाइल को समझते हुए अपना भी प्रोसेस जो है आगे शुरू कर सके देखो अभी बच्चा एक चंडीगढ़ का था सेवन में गया है तो जैसे मैंने सिक्सटी की रिक्वायरमेंट बताई वो मीट कर रहा था पेरेंट्स दोनों रिटायर थे और उनके क्योंकि वो अच्छी जॉब में तो पुलिस में थे फादर मेरे ख्याल और उनका फिफ्टी सिक्सटी लैक अकाउंट्स में था तो उन दोनों का पेरेंट्स का क्योंकि रिटायर्ड लाइफ थी दोनों का वीजा लग गया गार्जियन वीजा और बच्चा जो है आ, जा चुका है और उसका अभी दो दो महीने हो गए मेरे ख्याल गए उसको देन उसके बाद जो एक जो अंकल आंट थे उसके ऑस्ट्रेलिया में उस बच्चे को उन्होंने गार्जियनशिप दी थी तो वो जो है गार्जियनशिप बेस पे गया तो फंड्स तो आपको 20-25 लाख 30 लाख डिपेंड करता है वो हम उस टाइम कैलकुलेट करते हैं वही वन ईयर की लिविंग एक्सपेंसेस वन ईयर की फ़ी और गार्जियन का सात आठ हज़ार डॉलर एक्स्ट्रा उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके आपको जो है स्कूलिंग वीज़ा के लिए करते हैं जी, अब जी। जो भी स्टूडेंट है या पेरेंट्स हैं उनको यही बातों का ध्यान रखना है कि उनकी परसेंटेज प्रॉपर हो उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो ऑफ़र लेटर टाइम पे आ जाए फीस जमा करनी है अगर आपके फ़ंड्स रेडी हैं तो आपके साथ के साथ फाइल लगेगी और वीज़ा जल्दी आ जाता है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाते अब प्रोफाइल की जैसे आपने बात की तो वो ही जो इस क्राइटेरिया में है ऐसे बहुत सारे वीज़ा आए हैं हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ वीज़ा वीक एंड शो प्रोफाइल इसी बीच में प्रोफाइल होना चाहिए उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न भी होनी चाहिए उनके पास फंडिंग भी होनी चाहिए और बच्चे की परसेंटेज पूरी होनी चाहिए बच्चा थर्ड क्लास से ही वो कहते हैं कि हम ले सकते हैं लेकिन हम फिफ्थ अनवर्ड का सजेस्ट करते हैं कि थर्ड का बच्चा बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि प्लस टू तक का वीज़ा मिलता है अगर बच्चा एट्थ में भी है तो उसको चार साल का वीज़ा मिलेगा फिफ्थ में है तो उसको वही आठ नौ साल का वीज़ा मिलेगा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ी लंबी जाएगी जितने साल का वीज़ा है पर ईयर के हिसाब से उतनी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जा जी तो आप भी इन पॉजिटिव रिजल्ट्स का जो है फ़ायदा ले सकते हैं जैसे कि मैम ने वीडियो के दौरान भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी की तरफ से मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम और ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा को लेकर जो है अच्छे रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं तो आप भी टाइमली जो है अगर ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा के बारे में सोच रहे हैं नवम्बर इंटेक है जैन इनटेक है तो इस पर अगर आप सही ढंग से अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल कीजिए पूरी जानकारी लीजिए या फिर नेविगेटर्स ओवरसीज़ का चंडीगढ़ ऑफिस विजिट कीजिए और फेस टू फेस बैठकर पूरी इंफॉर्मेशन जब आप लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे अपनी प्रोफाइल बताएंगे तो उसकी डॉक्यूमेंट्स uh, की असेसमेंट करते हुए आपकी प्रोफाइल को समझते हुए सही ऑप्शन आपको गाइड की जा सकेगी बहुत बहुत थैंक्स मैम ये पूरी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के जरिए आपने शेयर की है आगे भी हम इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त थैंक यू सो मच थैंक यू